कानपुर के चौबेपुर स्थित बिकरू गांव में बीते शुक्रवार 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोप में फरार अपराधी विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे और उसके गैंग के द्वारा 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार हुए 3 लोगों के नाम सुरेश वर्मा, शमा दुबे, रेखा अग्निहोत्री हैं। विकास दुबे की रिश्तेदारी में आने वाली बहू शमा दुबे बदमाशों का हौसला बढ़ाने वाला, पुलिस के छिपने की जानकारी देने वाला सुरेश वर्मा और घरेलू सहायिका रेखा जो हरिशंकर अग्निहोत्री की पत्नी है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। 40 थानों की पुलिस विकास की तलाश में जुटी है लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस पूरे मामले में पुलिस वाले शुरू से शक के घेरे में हैं। इन पुलिस वालों पर विकास दुबे के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप में अब चौबेपुर थाने में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। चौबेपुर के थाना इंचार्ज विनय तिवारी पहले ही सस्पेंड हैं। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार विकास के साथियों ने भी इस बात की तस्दीक दी है। मुठभेड़ से ठीक पहले विकास के पास पुलिस वाले का फोन आया जिसने उसे रेड की जानकारी दी। कई पुलिस वालों से इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के हत्या के आरोपी विकास दुबे की सूचना देने वाले को 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी। इससे पहले विकास दुबे की इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। अन्य 18 नामजद अभियुक्तों पर कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 25,000 रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।